नया चैप्टर स्टार्ट करें। सब मैम लोग एक्साइटेड हैं? यस मैम आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कौन सा पार्ट? ह्यूमन ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें हम बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, लोकोमोटरी, है ना, सारे हमारी बॉडी के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? ओके। एक्साइटमेंट जीरो क्यों हो गया यार? यस मैम। अच्छा चलो, बड़ा बड़ा, वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो हमारा O2 इन होता है और CO2 आउट होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग और ब्रीदिंग। एक्सचेंज। अब इसके लिए मुझे एक सिस्टम लगेगा, और वो सिस्टम कौन सा है हमारे पास? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, यस मैम। अब इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, फिर यस मैम। नेक्स्ट यस बात मैम। करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब ये जो आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हो रहा है उसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है और कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ठीक है, यस ओके। मैम। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे गैस एक्सचेंज के बारे में कि ये O2 और CO2 किस फैक्टर्स की वजह से क्या हो रही है एक्सचेंज। इन दोनों का मूवमेंट होता है, मतलब CO2 बाहर जाती है, O2 अंदर आती है, तो कुछ ना कुछ यस फैक्टर मैम। होंगे ना थ्रू विच ये आ रही है जा रही है ना। यस मैम। फिर पढ़ेंगे हम गैस ट्रांसपोर्ट के बारे में कि ये जो गैस ट्रांसपोर्ट हो रही है उसके लिए मीडियम क्या है, व्हीकल क्या है, किस फॉर्म में है, क्या होगी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यस मैम। अब ये जो रेस्पिरेशन है ब्रेन से क्या होता है, रेगुलेट होता है, क्योंकि ब्रेन के पास क्या क्या होते हैं, कुछ सेंटर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे। ओके, लास्ट यस मैम। बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की। अगर इस सिस्टम में कुछ भी डैमेज हुआ तो इट विल रिजल्ट इनटू एन डिसऑर्डर। ठीक है, तो किस पार्ट के डैमेज से क्या यहाँ पर डिसऑर्डर होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर यस मैम। का ओवरव्यू क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो हमारी बॉडी अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज कर रही है। एक्सक्रीशन होता है बॉडी में, यस मैम। सर्कुलेशन यस होता मैम। है, डाइजेशन होता है, बहुत यस सारी मैम। प्रोसेसेस होते हैं और हर प्रोसेस के लिए एनर्जी लगती है बॉडी को। यस एनर्जी मैम। किस फॉर्म में एनर्जी रिक्वायर्ड है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी। एटीपी अब ये एटीपी कहाँ से आता है, कौन से प्रोसेस से? क्योंकि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या ग्लाइकोलाइसिस। फूड, है ना, पर इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है ना। यस मैम। ठीक यस है, मैम। अब आपको ब्रेकडाउन करवाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, होती है, यस मैम। तो क्या यस मैम। बॉडी O2 का कंटिन्यूअसली सप्लाई चाहिए? यस मैम। तो O2 यस करने मैम। वाला कोई होना चाहिए बॉडी में कि वो फटाफट ऑक्सीजन ला ला के दे, यस मैम। है ना। अब बात करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है, टॉक्सिक नेचर की होती है। अगर कोई टॉक्सिक है तो हमारे लिए हार्मफुल है या मतलब अच्छा है टॉक्सिक हार्मफुल होता है। ना, हार्मफुल है। अगर वो हार्मफुल है तो हमको उसको कंटिन्यूअसली रिमूव करना पड़ेगा, यस मैम। तो दैट मींस इस CO2 को आउट करने वाला भी कोई होना चाहिए, है ना। यस तो मैम। ये काम कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ओके। ओके। ऑक्सीजन को अंदर लाने वाला, CO2 को बाहर भेजने वाला जो सिस्टम है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर? यस तो मैम। ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, और किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, डायरेक्टली ATP बार बार बनता रहे ताकि बॉडी की एक्टिविटीज होती रहे। क्लियर हुई इतनी बार? यस और मैम। इसके लिए हमें कौन सा सिस्टम लगता है एक्सचेंज करवाने के लिए? रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम। समझ में आया? यस मैम। यस अच्छा, मैम। अब ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, O2 इन और CO2 टू आउट, आउट। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है?
ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या फूड भी लिख सकते हैं. यस मैम. यस मैम. और ये ब्रेकडाउन ऑफ फूड होके फाइनली बनेगा क्या? एटीपी एनर्जी है ना. तो क्या आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? यस. ठीक है. तो जो ब्रीदिंग होता है वो कैसा होता है? फिजिकल प्रोसेस होता है. ठीक है. और जो हमारा रेस्पिरेशन होता है बायोकेमिकल. हमने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देखी थी रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में. यस मैम. यस मैम. जो अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है और लिविंग बॉडी के अंदर हो रही तो उसको हम कैसे बोलेंगे? बायोकेमिकल प्रोसेस. क्लियर? यस मैम. तो ब्रीदिंग में क्या होगा हमारा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ये O2 और CO2 का एक्सचेंज. और रेस्पिरेशन में क्या होता है हमारा? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. क्या बनाने के लिए? एटीपी एनर्जी. ठीक है. तो क्या आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों में पूरे डिफरेंस क्लियर है? यस मैम. यस मैम. ये आप लोग पढ़ लोगे? यस मैम. ठीक है. अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की. क्या सारे ऑर्गेनिजम्स के पास लंग्स होते हैं क्या रेस्पायर करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए? नो मैम. नो मैम. मतलब जैसे गिल्स होते हैं है ना, जैसे फिशेस में गिल्स होते हैं, ऐसे पॉरीफेरा. तो हमने पॉरीफेरा हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, फर्स्ट वाला फाइलम. और हम पढ़ते पढ़ते वर्टिब्रेटा तक गए थे. गए थे? अरे आपने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पढ़े ना, एनिमल्स अलग अलग टाइप के. तो स्पॉन्जेस से आप ह्यूमन बीइंग या मंकीज तक गए. तो आपने देखा ना उनके बीच में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे. तो जब आप एकदम लोअर लेवल से अपर लेवल जा रहे हो तो वहां पर उनका सिस्टम भी तो अच्छा बनने लगेगा, वेल डेवलप्ड होने लगेगा. यस मैम. है ना. तो इसीलिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो जो हायर लेवल सबसे लेटेस्ट जो ऑर्गेनिज्म बना था उसके पास बहुत अच्छा सिस्टम होगा. क्लियर? क्लियर गाइस? यस मैम. ठीक है. अब बात करते हैं सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये हमको कहाँ मिलता है? अमीबा में. व्हाट इज अमीबा? अमीबा क्या होता है? नाम सुना होगा शायद इसका. यस मैम. जिसमें टू डॉटर सेल्स बनते हैं. बाइनरी फिजन होता है, दैट इज ट्रू. बट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है ना, उसको बोलते हैं अमीबा. तो अमीबा कैसे रेस्पायर करता है? बाय इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके पास तो सेल के अलावा कुछ है ही नहीं ना. यस मैम. ठीक है. फिर उसके बाद जो हमारे अर्थवर्म्स होते हैं, लीचेस होते हैं, वो कैसे रेस्पायर करेंगे? थ्रू स्किन. स्किन. और इस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. ठीक है. यस मैम. अब ट्रैकियल सिस्टम हमको कहाँ मिलता है? आर्थ्रोपोड्स में. आर्थ्रोपोड्स कौन से होते हैं? जो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो सारे आर्थ्रोपोड्स में आते हैं. अब इंसेक्ट्स के एग्जांपल बताओ. इंसेक्ट के जैसे बटरफ्लाई. बटरफ्लाई और कॉकरोच. तुमने देखा है कॉकरोच? यस मैम. कॉकरोच भी. कॉकरोच हुआ, ग्रास ऊपर हुआ, बटरफ्लाईज हुए, ये सारे इंसेक्ट्स है. उनके अंदर क्या मिलती है? ट्रैकियल सिस्टम. ठीक है. यस मैम. इनकी बॉडी में क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम? स्पायरिकल्स. किनकी बॉडी में? इंसेक्ट्स की बॉडी में. पाइपलाइन बनती है और उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया. तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? ट्रैकियल सिस्टम. क्लियर? यस मैम. अच्छा. गिल्स कहाँ मिलते हैं? मैम ये शायद से सेकंड लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो है. नहीं, जो लार्जेस्ट एनिमल का फाइलम है दैट इज आर्थ्रोपोडा. मतलब बहुत सारे जो मैक्सिमम एनिमल्स किस में आते हैं? आर्थ्रोपोड्स में. ठीक है. ओके मैम. अच्छा, गिल्स कहाँ मिलेंगे हमको? एक्वेटिक ऑर्गन्स में. फॉर एग्जाम्पल फिश. फिशेस और टैडपोल्स. ठीक है. और लंग्स कहाँ मिलते हैं? लंग्स. ह्यूमन. ह्यूमन के अलावा भी तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं? एनिमल्स में मिलते हैं. वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, हाई लेवल मैमल्स हो गया आपके, है ना. उसके बाद रेप्टाइल्स. इन सबके पास क्या होंगे? लंग्स होंगे. ठीक है.
अब हमको याद क्या रखना है यहाँ पर, इन सारे के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा, ठीक है? तो एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। यस मैम। बॉडी सरफेस से कौन करेगा? स्पॉन्जेस सिलेंड्रेट्स, ठीक है? उसके बाद स्किन के साथ कौन करता है? अर्थवॉर्म एम्फीबियंस। इस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी क्वेश्चन में डायरेक्टली आएगा। गिल्स के थ्रू कौन करेंगे? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, आर्थ्रोपोड्स। और लंग्स फाइनली कहाँ मिलेंगे? बहुत मैक्सिमम वर्टिब्रेट्स। और लंग्स वाले को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो जो एम्फीबियंस होते हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं? एम्फीबियंस कहाँ कहाँ रहते हैं? लैंड ऑफ वाटर पे। यस मैम। यस मैम। तो जब ये पानी में रहते हैं तो वो कैसे रेस्पायर करते हैं? उनकी स्किन का यूज करके। रेस्पिरेशन करा इनने? स्किन का किया तो ये यस, ठीक है? स्किन के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और कैसे? लंग से रेस्पायर। तो पल्मोनरी हो गया। तो जो एम्फीबियंस होते हैं, जो फ्रॉग्स होते हैं, वो कैसे रेस्पायर करते हैं? डुअल मोड से, क्योंकि वो पानी में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल मतलब सॉरी लैंड पे भी रहते हैं, इसलिए उनके पास अलग अलग क्या है? रेस्पिरेशन का मोड है। क्लियर? यस मैम। अब हम बात करें कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि ह्यूमन बींग के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता कौन सा है, कौन कौन से इनके पार्ट होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ठीक है? ओके मैम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी का एक ऐसा सिस्टम, फिजियोलॉजिकल सिस्टम, जो भी नॉर्मल बॉडी के अंदर फंक्शंस करते हैं ना, अलग अलग टाइप के जो सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, इन सबको हम एक साथ क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है? ओके गाइस, ओके, ठीक है? तो इसके पास क्या आते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और जो भी स्ट्रक्चर गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है वो सारे, ठीक है? यस मैम। तो ये नोज से लेके आपके एल्वियोलाई या लंग्स तक क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? अब वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, उसके पहले हमें डायग्राम दिख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता कैसे है। क्या आप सभी को डायग्राम दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ होता है? नोज में। और नोज की जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स, ठीक है? फिर जाएगा ये नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी हमारे नोज के, ठीक है? ओके यस मैम। और एयर फिर नोज के बाद जाता है फैरिंग्स में, देन लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकाइस और फाइनली एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई क्या होते हैं? छोटे छोटे बैग्स होते हैं, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है? एक हमारे पास है कंडक्शन जोन और एक है एक्सचेंज जोन। कौन कौन से जोन हुए? कंडक्शन जोन और एक्सचेंज जोन। एयर जहाँ ट्रेवल करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन जोन। कंडक्शन जोन क्या हो रहा है? एयर का ट्रांसफर हो, ट्रांसपोर्ट हो रही है, ट्रेवल कर रही है। और एक्सचेंज में क्या होगा? अल्टीमेटली ऑक्सीजन किसको मिल जाएगा? ब्लड को मिल जाएगा। क्लियर? यस मैम। होगा इसका सिर्फ एल्वियोलाई। कौन है इसका एक्सचेंज का? एक्सचेंज जोन वाले को फिर से बता दो। एक्सचेंज जोन में क्या होता है कि जो आपने ऑक्सीजन इनहेल किया फाइनली वो ब्लड के पास कहाँ जाएगा? एक्सचेंज जोन में। और ये काम कहाँ होता है? एल्वियोलाई में, ठीक है? अभी ओके मैम। ठीक है, तो नोज से लेके ब्रोंकियोल्स तक हमारा कौन सा पार्ट होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। नहीं, जोन की बात कर रहे हैं। यस मैम, कंडक्शन जोन। कंडक्शन जोन, कंडक्शन जोन, ठीक है? तो नोज से ब्रोंकियोल्स तक हमारा कौन सा है? कंडक्शन जोन। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं कंडक्शन जोन के बारे में। तो मैंने क्या बोला, ये नोज से लेके कहां तक होगा? ब्रोंकियोल्स तक, के बीच में फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ये सब आएंगे, ठीक है? ओके यस मैम। ठीक है, अब इस कंडक्शन जोन का काम क्या है? देखो, हम जो एयर इनहेल करते हैं क्या वो पूरी तरीके से प्योर होती है? नो मैम। नो मैम।
इम्प्योरिटीज होती है उसमें, बहुत सारे हार्मफुल मैम सब्सटेंसेस होते हैं, तो अगर वो इम्प्योर एयर बॉडी के अंदर चली गई तो बॉडी को प्रॉब्लम हो जाएगी ना। यस मैम तो कोई ऐसा होना चाहिए कि इस एयर में से वो इम्प्योरिटी को लेके और एयर को प्यूरिफाई कर दे, यस मैम है ना। जो आपका कंडक्शन जोन है वो क्या कर देता है, एयर को प्यूरिफाई। अभी करता कैसे है, ये जो कंडक्शन जोन होते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स, सीलिया और म्यूकस। ये क्या कर लेते हैं, अगर कुछ ऐसा केमिकल या हार्मफुल सब्सटेंस आ रहा है उसको क्या कर देंगे, ट्रैप कर लेंगे, है ना। ट्रैप कर लेंगे तो बाकी जो एयर अंदर जाएगी क्या वो प्योर होगी या इम्प्योर होगी, प्योर प्योर होगी, होगी। तो एयर को प्यूरिफाई किसने करा, हेयर, सीलिया और म्यूकस ने कंडक्ट। वो कहाँ किसके पार्ट है, कंडक्टिंग जोन के। ठीक है, ओके, ठीक यस मैम, है। यस ट्रांसपोर्ट मैम, करेगा मतलब एयर क्या होगी यहाँ पर, ट्रैवल, है ना। यस मैम, इसने क्या करा, फॉरेन पार्टिकल्स से एयर को प्यूरिफाई कर दिया। यस मैम, अब लास्ट ये बात करते हैं, जो विंटर होता है, विंटर में एयर का टेम्परेचर काफी लो होता यस मैम, है ना। अगर इतनी ठंडी हवा बॉडी के अंदर चली गई तो टिश्यूज फ्रीज हो सकते हैं, होना यस मैम, यस मैम, चाहिए ना कि वो टिश्यू को फ्रीज होने से बचाए। यस मैम, तो ये जो आपका कंडक्टिंग पार्ट है वो क्या कर देता है, इतनी ठंडी जो एयर आ रही है उसको कहाँ ले देगा, हमारे बॉडी टेम्परेचर तक। तो जो आपकी फाइनली एयर लंग्स तक जाएगी वो किस टेम्परेचर की होगी, बॉडी टेम्परेचर की। फिर क्या होगा, अगर वो बॉडी टेम्परेचर की होगी तो टिश्यूज को कोई वहां पर अफेक्ट नहीं होगा। फिर यस सभी को समझ आया, मैम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये आपकी क्या है, नोज। नोज में जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल या एक्सटर्नल लेयर। क्लियर हिंदी बात। यस मैम, फिर एयर इस कैविटी में ट्रेवल करेगी, इसको हम बोलते हैं नेसल पैसेज या नेसल चैम्बर, ठीक है। यस ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद इंटरनल नोस्ट्रिल या इंटरनल लेयर भी होता है, ओके। यस अब ये हो गई नोज, यहाँ पर खत्म। नेक्स्ट ये किसके पास जाएगी, फैरिंग्स के पास। एयर किसके पास गई नेक्स्ट, किसके पास गए, yes. फैरिंग्स के। अब फैरिंग्स के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है नेजो फैरिंग्स और ओरो फैरिंग्स। तो जो हमारा फैरिंग्स है ना, तो वो फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, ठीक है, ओके। तो जो नेसोफेरिंग्स है वो नोज वाले के पास होगा और माउथ के पास क्या होगा, ओरोफेरिंग्स। क्लियर, ओके, राइट। यस ठीक मैम, यस है, मैम, ग्लॉटिस वाला मैं आपको बाद में बताती हूँ जब हम फेरिंग डिस्कस करेंगे। फिर फाइनली एयर कहाँ एंटर करेगी, आपके लैरिंग्स में। लैरिंग्स से आ गई ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस। फिर आ गए आपके ब्रोंकियोल्स और फाइनली क्या बन जाएंगे, आपके एल्वियो। तो इस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। ठीक ओके मैम, है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले वाला पार्ट। कौन सा पार्ट सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम, नोस एक्सटर्नल नोज नोज, को, आई ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नोज के डिविजन्स। तो क्या हमारी नोज में दो नोस्ट्रिल होते हैं, है यस मैम, ना, दो ओपनिंग्स होती है एयर को जाने के लिए, यस मैम, है ना। और दोनों क्या किसी चीज से डिवाइड होती है, डिवीजन होता है दोनों के यस बीच में। मैम, इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, नेजल सेप्टम। इतनी बात क्लियर हुई। यस मैम, और ये क्या है, हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। क्या ये, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, या इनको एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं। फिर ये फाइनली खत्म होगा कहाँ पर, इंटरनल नेयर्स या इंटरनल नोस्ट्रिल पे, ठीक है। और फिर यस फाइनली एयर कहाँ जाएगी, फैरिंग्स के पास। क्या इतनी बात क्लियर है आप सबको, यस मैम, ठीक है। अभी ये जो यहाँ पर पैसेज या कैविटी है इसको हम क्या बोलते हैं, नेजल चैम्बर या नेजल पैसेज, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। तो क्या हुआ, एक पेयर है हमारे पास, दो नोस्ट्रिल है जो लिप्स के जस्ट अबव है। फिर नेक्स्ट बात करें पैसेज की या नेसल चैम्बर की, इनके बीच में एक डिवीजन है जिसका नाम क्या है,
नेसल नेसल सेप्टम, इसकी जो लाइनिंग है वो किसकी है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ये आपको याद रखना है क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ओके यस मैम, मैम एक बार ये वाला समझा दो, लास्ट वाला। हाँ वही बता रही हूँ। देखो इसकी जो लाइनिंग है, मतलब ये क्या है, नोज स्ट्रक्चर है, इसकी जो लाइनिंग है वो किसकी बनी हुई है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। एपिथेलियम हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसके बाद उसमें अगर कॉलमनर सेल्स आ गए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स पढ़ाए पढ़ाए है यस मैम, ना, उसमें हमने एपिथेलियम के बारे में पढ़ा था। अगर कॉलमनर सेल्स है तो हमने उसको कॉलमनर एपिथेलियम बोल दिया। अगर यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया? सीलिएटेड, ठीक रिलेटेड यस। है ना। अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब यह है कि फॉल्स स्ट्रेटिएशन, स्ट्रेशन मतलब ऐसी लाइनिंग, यहाँ पर फॉल्स लाइनिंग होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलिया। अब क्लियर है, ठीक यस मैम, हो गया क्लियर। है। अब ब्लास्ट आते हैं इंटरनल लेयर्स, और ये किसको ले जाएंगे? नेरोफेरिंग्स के पास, ठीक है। ओके गाइस, यस मैम, अब बात करते हैं किसकी? नेजल चैम्बर की। तो नेजल चैम्बर जो हमारा है वो क्या होता है? तीन रीजन का बना होता है, क्लियर? कितने रीजन का बना है? तीन रीजन का। पहला होता है वेस्टिबुल, दूसरा होता है रेस्पिरेटरी रीजन, और थर्ड वन इज ऑल्फैक्टरी, ठीक है? ओके। अब वेस्टिबुल में क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर्स। हेयर्स क्या करेंगे, क्या काम है हेयर्स बस का? पार्टिकल को क्या पकड़ पार्टिकल लेना, को कैरी करनी, वो कैच करना। ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी रीजन में क्या होगा? आपका एयर ट्रेवल होके किसके पास जाएगा? नेसोफेरिंक्स के पास, ठीक है। ओके। अब यस मैम, ऑल्फैक्टरी रीजन क्या करता है? इट विल डिटेक्ट स्मेल। क्या डिटेक्ट करेगा ये? तो स्मेल। हमको जो फ्रेग्रेंस या स्मेल आती है वो किस रीजन की वजह से हमको पता चलता है? बाय आर ऑल्फैक्टरी रीजन। तो ऑल्फैक्टरी तीनों पार्ट्स क्लियर हुए? ये हुए गाइस। मैम, मेरे को पिक्चर वो लास्ट वन वाला स्लाइड दिखा दो। ओके मैम, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स क्या होता है? फूड और एयर के लिए कॉमन, ठीक है। नोज के थ्रू अपना क्या, आपका क्या एंटर करेगा? एयर या फूड? एयर, एयर, और माउथ के थ्रू क्या एंटर करेगा? फूड। फूड। अब ये जो एयर और फूड एक जगह पे जाके मिल जाएंगे, और उस जगह की नाम क्या है? पेरेंट्स, फाइनेक्स, ठीक है। ओके। ओके यस मैम, हम माउस से भी तो एयर ले सकते हैं, तो हाँ, माउस से भी एयर जाती है, पर आपकी मैक्सिमम एयर कहाँ से जाती है? नहीं, नोज। अगर हम माउस से एयर ले लेंगे फिर तो प्यूरिफायर नहीं होगा ना। प्यूरिफाई तो नहीं होगा, इसीलिए हम मैक्सिमम एयर कहाँ से लेते हैं? नोज से लेते हैं या माउथ माउस से? फिर माउस लेने पे तो प्रॉब्लम हो जाए वो वो होते तो हुए। ऑटोमेटिकली नोज से लेते हैं ना, वैसे हाँ, तो जो आपका हम ब्रीदिंग प्रोसेस है ना वो इनवॉलंटरी प्रोसेस है, ठीक है। और आपका देखो, जो आपका मैं यहाँ पर बता रही हूँ, दो ओपनिंग्स, एक माउथ वाला, सॉरी, एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होगा, और एक किसका होगा? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का। फैरिंग्स की दो ओपनिंग है, तो अगर आपकी एयर अगर यहाँ पर कहाँ पर चली गई? डाइजेस्टिव वाले सिस्टम में, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी ना? सॉरी, एयर की वजह से क्या एयर कुछ इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है गाइस? यस मैम, एयर इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्या अगर वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चले गया तो? तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और जो आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, इसकी भी लाइनिंग कितने सीलिया और इन सब से प्रेजेंट होती है, तो ये भी क्या कर लेते हैं? अगर कुछ हार्मफुल है ना तो उसको ट्रैप कर सकते हैं। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ेगा ना तब वहां डिटेल में जाएंगे, ठीक है? ओके मैम, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एयर और नोज की। अब ये फेरिंग्स में आके मिल गए, तो ये तो यहाँ पर दोनों पाइप ओपन है, तो ये किसी में भी जा सकते हैं ना? एयर वाले में फूड जा सकता है राइट, यस मैम, और फूड यस मैम, जा सकते हैं। अगर फूड एयर वाले में चले गया तो प्रॉब्लम होगा, आपका यस मैम, ब्रीदिंग होगा। स्टॉप हो जाएगा, ब्रीदिंग बंद हो जाएगी। तो क्या इसको प्रिवेंट करने के लिए कोई कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए या कुछ पार्ट होना चाहिए? यस मैम, होना चाहिए।
यस, इस आपका जो एयर वाला पाइप है इसके ऊपर एक ढक्कन प्रेजेंट होता है। जब भी आप खाना खाते हो ना, तो खाना खाते टाइम जैसे ही आपका फूड अंदर जाता है, उस टाइम ये ढक्कन क्या कर देता है, आपके एयर वाली पाइप को बंद कर देता है, और इसका नाम क्या है, एपिग्लॉटिस। क्लियर हुआ? अच्छा यस मैम, सर ने भी बताया था इसे। ठीक है, सबको क्लियर हुआ एपिग्लॉटिस क्या होता है, ये क्या काम करेगा? ये क्लोज कर देता है फूड इन होने पे। हाँ, एयर वाले पाइप को बंद कर देगा। कि ये बंद कर देगा इसलिए कि जो फूड है वो डायरेक्टली डाइजेस्टिव वाला जो हमारा फूड पाइप है वहीं जाए। तो इसकी जो ओपनिंग से फूड के लिए जो है दैट इज गलेट वाला, और जो एयर के लिए उसको हम बोलेंगे ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर वाला ढक्कन प्रेजेंट है इसीलिए उसका नाम पड़ गया एपिग्लॉटिस। क्लियर हुआ ग्लॉटिस और गलेट क्या होता है और एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? गाइस नो रिस्पॉन्स, क्या हुआ, सो गए क्या? मैम एपिग्लॉटिस का तो हो गया। क्या समझ में नहीं आया फिर? गलेट ग्लॉटिस वाला। अच्छा, यस मैम। जो फूड पाइप है ना उसका नाम है गलेट, और जो एयर पाइप है उसका नाम है ग्लॉटिस। अभी कंफ्यूजन है? नो मैम। नो, अभी क्लियर हुआ? किसी यस मैम। को भी डाउट है? ठीक नो मैम। है, तो देखो नोज के थ्रू एयर ने ट्रेवल करा और ये भी फेरिंग्स के पास गई, तो ये पार्ट नोज के पास वाला पार्ट कौन सा है हमारा? नेजोफेरिंग्स। यस मैम। और फूड कहाँ गया? माउथ से एंटर हुआ, और माउथ के पास वाला जो फेरिंग्स वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। क्लियर? अब यस मैम। जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स। क्लियर? हाइपोफेरिस। यस मैम। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं गलेट और ग्लोटिस। तो यहाँ पर ईसोफेगस में फेरिंग्स के बाद जो फूड ट्रेवल करता है वो कहाँ जाएगा आपका? ईसोफेगस में। ठीक है, और यहाँ पर जो एयर ट्रेवल कर रही है फेरिंग्स के बाद वो कहाँ जाएगी? लैरिंग्स में। क्लियर? यस मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा, अब बात करते हैं लैरिंग्स। तो अब मैंने उसके पहले मुझे ये बताओ कि नोज के बाद एयर कहाँ ट्रेवल करी, किस पार्ट में गई? लैरिंग सॉरी फेरिंग्स। फोनिक्स। यस मैम। और फेरिंग्स के बाद किसके पास जाएगी अब? लैरिंग्स मैम। लैरिंग्स। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? यस मैम। आप देखो, आप लोग जो बोलते हो तो आपकी जो आवाज आती है वो किसकी वजह से आती है? लैरिंग्स की वजह से। किसकी वजह से आती है? क्योंकि लैरिंग्स इसके पास क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स। ये वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और ये लैरिंग्स के पास होते हैं इसीलिए इसको हम वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स बोलते हैं। क्लियर? यस क्लियर गाइस? क्लियर? मैम। ठीक है, यस। अब ये जो आपका लैरिंग्स है वो बहुत सारी कार्टिलेज, मतलब फोर कार्टिलेज से बना है, जिसमें एक थायराइड है, एक क्रिकॉइड है, और एक पेयर है अरेटिनॉइड्स का। अब इस वाले जो थायराइड है वो आपका कौन सा है? बिगेस्ट कार्टिलेज है। ठीक है, बिगेस्ट कार्टिलेज कौन सा है इन सारों में से? थायराइड। हेलो। ठीक है, हेलो थायराइड। ठीक है, अब बात करते हैं लैरिंग्स की। तो जो हमारा लैरिंग्स होता है ना, इसके ऊपर एक बोन प्रेजेंट होती है, और इस बोन का नाम होता है हायोइड बोन। कौन सी बोन है ये? हायोइड बोन हायोइड बोन किसके ऊपर लैरिंग्स प्रेजेंट है? लैरिंग्स क्लियर है? क्लियर के ऊपर। है? यस मैम। अब जो वोकल कॉर्ड्स है वो क्या होते हैं, मेल और फीमेल में थोड़े अलग अलग साइज के होते हैं, इसीलिए मेल और फीमेल दोनों की आवाज डिफरेंट होती है, हाई पिच लो पिच वाली। यस मैम। फीमेल की वॉइस थोड़ा पतली हाई पिच होती है, मतलब होती एकदम है और तीखी आवाज होती है, और मेल की थोड़ी लो पिच की होती है, थोड़ा डल साउंड होता है ना? तो यस मैम। ये जो वोकल कॉर्ड्स मेल में होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं, और फीमेल में क्या होते हैं, थिन होते हैं, इसीलिए हमको ये क्या मिलती है, हाई पिच और लो पिच। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, मेल्स में थिक होते हैं इसीलिए इनको एक दूसरा नाम दे दिया था हमने, एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल किसको बोलेंगे, वोकल कॉर्ड। जो मेल में प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? यस मैम। ओके, अब ट्राकिया की बात करें, ओके। यस मैम। यस। अब बताओ नोज के बाद एयर किसके पास आई? ट्रैकिया। नहीं फाइनेक्स, उसके सही बाद फाइनेक्स, उसके बाद ट्राकिया। है ना, तीनों पार्ट क्लियर है हमने जो पढ़ लिया अभी तक, लैरिंग्स फैरिंग्स और यस नोज।
यस मैम ठीक है। यस आउटर मैम लेयर कौन सा? ट्रैकिया। तो ट्रैकिया एक हॉलो ट्यूब होता है बहुत लंबा सा, जो कहाँ तक जाता है? चेस्ट के मिड तक जाता है। जो आपकी चेस्ट की कैविटी है ना, उसको थोरेसिक कैविटी भी बोलेंगे या चेस्ट कैविटी भी बोलेंगे। क्लियर? यस मैम तो ओके क्या है? एक पाइप है। अब ये जो पाइप है उस पे क्या होती है? रिंग्स लगी होती है, कार्टिलेजनस रिंग्स। पर वो कैसी होती है? इनकम्प्लीट होती है। कैसी होती है रिंग्स? इनकम्प्लीट मतलब अगर आप पाइप देखो, उसको आप सामने से तो कवर कर दो, पर पीछे से वो खुला ही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के हम स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट रिंग। ओके, ओके मैम सी शेप की इनकम्प्लीट रिंग्स, कार्टिलेजनस रिंग्स होती है। किसके ऊपर होती है? ट्रैकिया के ऊपर। ठीक ओके है, ट्रैकिया को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज विंड पाइप। ठीक है, इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। कहाँ तक आता है? ये मिड चेस्ट के लेवल तक। अब ये ट्रैकिया जैसे एक्सटेंड हो जाता है, तो मिड चेस्ट के बाद ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और अब जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज प्राइमरी ब्रोंकस। क्लियर? यस मैम ठीक है, तो ट्रैकिया का आपको थोड़ा समझ में आया क्या होता है, कैसे होता है? ठीक यस मैम है, तो ये डिवाइड होके लेफ्ट और राइट प्राइमरी, दो इसने बना दिया, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाइस है ना। इधर से ये क्या करेगा? एयर को कंडक्ट करेगा। ठीक है, ओके। ट्रैकिया चला की जो लाइनिंग होती है वो भी सेम हमने जो पहले पढ़ी वही होती है। कौन सी लाइनिंग पढ़ी थी? स्यूडो, बोलो गाइस, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, कॉलमना सीलिएटेड, ओके क्या हुआ, भूल गए? सीलिएटेड जानता कॉलमनर एपिथीलियम। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा कि ट्रैकिया की लाइनिंग कैसी होती है, तो समझ जाओगे ना। ओके अब ये जो रिंग्स बनी होती है वो किसकी बनी होती है? हाइलिन कार्टिलेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कार्टिलेज का नाम भी आता है। ठीक है, मैम अच्छा। अब ये रिंग्स क्यों प्रेजेंट होती है? जो आपका ट्रैकिया होता है बहुत डेलिकेट सा पाइप होता है, तो हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो प्रेशर का चेंज होता है, तो प्रेशर के इतने चेंज से वो क्या होती है? कोलैप्स हो सकती है, इसीलिए इसके ऊपर रिंग्स प्रेजेंट होती है, ताकि वो पाइप को एज इट इज बना के रखे। ठीक है, तो यस मैम ये है हमारी ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, जल्दी लैरिंग्स लैरिंग्स लैरिंक्स लैरिंक्स का बोन कौन सी है? हाइलॉइड हाइलॉइड बोन। ठीक है, और ये डिवाइड करके कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे? प्राइमरी प्राइमरी ब्रोंकाई ब्रोंकाई। ठीक है, समझ गए? ये यस सारा मैम समझ, ट्रैकिया भी क्लियर हुआ गाइस? ट्रैकिया क्लियर हुआ? यस मैम अब बताओ नोज से एयर कहाँ गई? अब आप बताओ लैरिंग्स पैरिंग्स से किसके पास गई और लैरिंग्स से किसके पास गई? ट्रैकिया। ट्रैकिया। ठीक है, अब ट्रैकिया के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, ब्रोंकाइटिस ट्री होता क्या है? ट्री में देखो कितनी सारी ब्रांचेस होती है, होती यस है ना। यस सिमिलरली जैसे ही ट्रैकिया हुआ, ट्रैकिया ने डिवाइड होके प्राइमरी ब्रोंकस बनाए, इसमें और डिवीजन करके बहुत सारी ब्रांचेस बनी और ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइट। क्लियर? क्लियर यस। ठीक है, तो ये क्या था? आपका ट्रैकिया था, इसने जैसे ही डिवाइड करा, बाइफर्केट बना, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाया? प्राइमरी प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, तो ये ट्रैकिया था, इसने डिवाइड करके प्राइमरी बनाया। अगर ये और डिवाइड हो गया प्राइमरी वाला, तो अब ये हो जाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी और इसने और डिवाइड करा, तो क्या बन जाएंगे आपके? टर्शरी। और टर्शरी अगर और डिवाइड करते तो क्या बनाते हैं? ये टर्मिनल ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स। इसके बाद क्या बन जाएंगे आपके? ब्रोंकियोल्स। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये ब्रोंकस वाला पार्ट होता है, यहाँ पर आपका क्या हो गया? लंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ओके मैम। ओके, तो प्राइमरी ब्रोंकस कहाँ हो गया? एंटर कर दिया इसने लंग्स में, इसने और डिवाइड करके सेकेंडरी और टर्शरी बनाया और फाइनली बन गया ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ये मेरे पास सपोज ब्रोंकियोल्स आ गया।
अब इस ब्रोंकियोल्स में छोटे 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 एयर बैग्स होते हैं, और इस बैग्स का नाम क्या है हमारा? एल्वियोल्स। ठीक है, समझे? यस मैम। अच्छा, अब ये जो आपका एल्वियोलाई है, इसके पास क्या होती है? बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। क्या है ये? बहुत सारी ब्लड वेसल्स। इसीलिए इसको बोलते हैं हाईली वेस्कुलराइज्ड एयर सैक्स, मतलब कि एयर को ही कंटेन कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला? हाईली वेस्कुलराइज्ड। बहुत थिन इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ताकि इजीली गैस एक्सचेंज हो जाए, क्योंकि ये एल्वियोलाई फाइनली किसको देगा गैस या ऑक्सीजन? किसको देगा? ये ब्लड वेसल्स को, CO2 ले लेगा, है ना? अगर थिन मेम्ब्रेन होगी तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। यस। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज एग्जैक्टली हुआ कहाँ सबसे पहले? एल्वियोलाई में। यस मैम, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी साइट। ठीक है, ओके। किसके किसके बीच में गैस का एक्सचेंज होगा? एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। तो ये क्या थे? आपके ब्रोंकियोल्स में डिवाइड करके क्या बनाया? एल्वियोलाई। तो इसने एक ऐसा बैग बनाया, उसका नाम है एल्वियोलर से, और उसमें क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे एल्वियोलाइज। क्लियर? क्लियर? यस मैम। अब बात करते हैं लंग्स के बारे में कि लंग्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे हमारे पास कितने लंग्स होते हैं? एक या दो? टू होते हैं ना, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या हमारे पास दो, एक पेयर ऑफ लंग्स है? यस मैम, है ना, ये हमारे लंग्स है। कहाँ लोकेटेड है? चेस्ट की कैविटी के अंदर। यस मैम। ओके, ये चेस्ट की कैविटी के अंदर है। अगर कोई भी वॉल्यूम का चेंज अगर आपके चेस्ट की कैविटी में आया तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? आपका लंग में। लंग की कैविटी में, क्योंकि लंग तो अल्टीमेटली कहाँ लोकेटेड है? चेस्ट कैविटी। चेस्ट में। तो अगर चेस्ट में कोई चेंज आएगा तो वो लंग में भी आएगा ना, सेम टू सेम? यस मैम, है ना। ठीक है, अब देखो लंग जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। कैसे मेम्ब्रेन बाउंड? कितनी मेम्ब्रेन होती है? डबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, यस मैम, ओके, प्लूरल मेम्ब्रेन। इसको हम PM लिखेंगे डायग्राम में। तो जो आपका बाहर वाला है उसको हम कौन सी बोलते हैं? पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके ओके मैम। और जो अंदर वाला है उसको बोलेंगे विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। लंग्स की लेयर्स क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो इनके बीच में क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो इनको फ्रिक्शन से बचाता है। उस फ्लूइड का नाम क्या है? प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, ये सारी बात क्लियर है? yes. ठीक है, तो पेराइटल प्लोरा, विसरल कैवा, प्लूरल कैविटी, लेफ्ट लंग, राइट लंग, ये सारा क्लियर है? यस मैम। यस, करते हैं डायफ्राम की। तो जो आपके लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शेप का ऑर्गन, मस्कुलर होता है डोम शेप का ऑर्गन, उसको हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ठीक है, ओके, यस मैम। अब बात करते हैं लंग्स का स्ट्रक्चर। तो हमारे पास कितने लंग्स थे? टू लंग्स, एक पेयर का, एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा ऑब्वियसली। यस मैम। ये मेरे पास दो लंग्स हो गए, एक हो गया लेफ्ट और एक हो गया राइट। इतनी बात क्लियर है गाइस? क्लियर है इतनी बात? अरे राइट और लेफ्ट लंग तो क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है, अब देखो इस लंग को डिवाइड करने वाला एक सेप्टम प्रेजेंट आ जाता है, और इसका नाम क्या है? ऑब्लिक फिशर। क्या नाम है इसका? ये आपका जो राइट वाला है और लेफ्ट वाला है, ये दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके ओके मैम। पर जो राइट वाला है ना, उसमें हॉरिजॉन्टल फिशर भी आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर कितने लोग होंगे अब बताओ मुझे? ये 1 और 2 होगा लेफ्ट वाले में। yes. और यहाँ पर कितने डिविजन है? 1, 2, 3। आपका लेफ्ट लंग कैसे होगा? 2 लोब। और राइट वाला? 3 लोब।
ठीक है, अब जो आपका ये लेफ्ट वाला लंग है उसमें से थोड़ी सी जगह या नॉच प्रेजेंट होता है, किसके लिए, यहाँ पर कौन आएगा, इसका नाम है क्योंकि आपके आपकी बॉडी में लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड की टुवर्ड्स हार्ट, यस मैम, तो उसको जगह देना पड़ेगी ना रहने के लिए, यस मैम। तो ये जो लंग क्या होता है थोड़ा सा अपना शेप थोड़ा सा अंदर की साइड कर लेता है ताकि हार्ट को क्या मिले, जगह मिल सके, ठीक है, ओके मैम, ठीक है। अब जो आपका राइट लंग होता है वो क्या होता है, इसके कंपैरिजन में हाइट इसके कम पर ये कैसा होता है, ब्रॉड होता है, विड्थ ज्यादा और हाइट कम, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, लेफ्ट लंग की, ओके ओके मैम, क्योंकि यहाँ पर इसको किसको जगह देनी है, डायफ्राम को, डायफ्राम का जो रिलैक्स वाला शेप होता है वो डोम होता है, मतलब ऐसा उल्टा शी साइड का, तो इसीलिए इसको जगह देने के लिए कौन, राइट वाला जो लंग है वो क्या कर लेगा, थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा और उसकी हाइट कम हो जाएगी, ठीक है, यस मैम, ठीक है, ओके मैम। यहाँ पर क्या लीवर को जगह देने, लीवर राइट साइड पे होता है इसलिए थोड़ी बॉडी में हर किसी को जगह देने के लिए ये थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है, ओके गाइस, यस, तो हमारा यस मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं नहीं, इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था ना कि ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों जरूरी है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी डिफरेंस, यस मैम, उसके बाद हम आए थे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में अलग अलग ऑर्गेनिज्म से अलग अलग टाइप के अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पड़े थे, बॉडी सरफेस से लेकर गिल्स, गिल्स, लंग्स, स्किन, है ना, यस मैम, है ना, इन सब के क्या याद रखना है आपको, यस मैम, याद रखने और एग्जांपल्स, एग्जाम्पल्स याद करने हैं कि बॉडी सरफेस से कौन करेगा, ट्रैकियल ट्यूब से कौन करेगा, गिल से कौन करेगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ी थी रेस्पिरेटरी स्ट्रेंथ, यहाँ पर हमने दो जोन पढ़े थे, कौन कौन से, कंडक्शन और एक्सचेंज, है ना, एक बड़ा कंडक्शन और एक बड़ा एक्सचेंज, तो नोज से ब्रोंकियल्स तक कौन सा जोन था, कंडक्शन, है ना, और एल्वियोलाई में हमारा कौन सा जोन हुआ, एक्सचेंज, इनके नीचे मस्कुलर ऑर्गन होता है कौन सा, डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है। अब बात करते हैं लंग्स की, तो कितने लंग्स होते हैं, दो, एक पेयर, है ना, एक राइट और एक लेफ्ट, तो राइट में तीन लोब क्यों प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज़ वहां पे हार्ट के लिए करना पड़ता है, तो यहाँ पर फिशर प्रेजेंट है, और लेफ्ट लंग में कितने फिशर प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा समझ आ चुका है, yes, ma'am. Yeah, no, ma'am. अच्छा पूरा क्लियर हुआ, यस मैम, अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस पूछूंगी, क्या आप लोग प्रिपेयर्ड हो, यस मैम, सब लोग रिवाइज करके आओगे या मुझे डिसअपॉइंट करोगे, मैम रिवाइज करके आएंगे, आपका प्रॉमिस है, यस मैम, अच्छा ठीक है, और कल आप लोगों की क्लास है ना 2 to 3, मैं लिंक वगैरह सब आपको भेज दूंगी, बट मेक श्योर आप ज्वाइन करो, ठीक है, हम नया चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे, ओके मैम, ओके गाइस, इस वीक के लिए रेगुलर होगा, कल से कल सैटरडे तक, सॉरी, ओके ओके मैम, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, सारे सब्जेक्ट का होगा, बाय बाय।